हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास एट्थ और चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ अब क्या क्या है, कानून की समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। तो हम इसमें कानून के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, कुछ ही बेसिक चीज़ आपको इसमें जाननी है, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ना तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी पड़ती है ताकि छोटे छोटे जो बेसिक सी चीज़ है वो आपको यहाँ पर समझ आ जाए, पता चल जाए वर्ड्स आपको, ठीक है। तो कानून की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि होती क्या है, एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट दैट से वट पीपल मे और मे नॉट डू, मतलब किसी देश कंट्री जो है या राज्य स्टेट उसका एक आधिकारिक नियम ऑफिशियल रूल जो कहता है कि लोग क्या कर सकते या नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये है ना कि हम अपने देश में अपने राज्य में रहते हो, हम क्या चीज़ कर सकते हैं जो हम पे लागू होती है और क्या चीज़ हम नहीं कर सकते। ये होता है ना कि हम अगर स्कूटी या बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन से रूल्स हमको नहीं तोड़ने हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, तो कौन से हम काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कानून होता है। तो एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू, कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये आपको जबान पर डट लेनी है। कोई आपसे पूछो कानून होता क्या है तो आपको बता सको उसे कि देश या राज्य का एक आधिकारिक नियम है जो यह तय करता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब कानून बनाने का जिम्मा किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है, संसद, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, वो प्रीवियस चैप्टर में मैंने बता दिया है। कानून जो है धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन से धर्म का है। कानून सबके लिए क्या होता है, समान होता है, सबसे ऊपर होता है कानून। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। बाद में विधि का शासन, कानून को विधि कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाद में विधि का शासन है किस तरह से, कानून के समक्ष सभी लोगों की क्या है, समता है, समानता है। कानून की नज़र में कोई बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब कुछ नहीं होता। कानून सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है, कानून, सबसे पहले कानून होता है। वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यह शासन अंग्रेजी अमेरिका विधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई पूछा गया जो कानून की धारणा आई है ये कहाँ से आई है, तो अंग्रेजी अमेरिकी विधान से यह लिया गया है। इसमें राज्य के तीन अंग कौन से होते हैं, राज्य के तीन अंग होते हैं, बताया है मैंने आपको, कार्यपालिका होती है, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य होती है। इसमें राज्य की तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कानून के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए बाध्य है। तो ये बाद में विधि का शासन है, जब आप मेंस एग्जाम दोगे ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे जाता है, एवी डोसी ने 1885 में अपनी पुस्तक, आपको याद रखना है, एवी डोसी की एक पुस्तक थी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें कानून के शासन की व्याख्या की। उसमें उन्होंने शासन के तीन अर्थ बताए, ठीक है। अब कौन कौन से अर्थ बताए ये हम देखते हैं। विधि के शासन का मतलब क्या होता है, कि देश में कानूनी समानता का होना है, मतलब शासन के लिए हम कानून बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कानूनी समानता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के दंडित किया जा सकता है, अगर वो कानून तोड़ता है तो उसके लिए उसको दंड जरूर मिलेगा, अन्य किसी बात के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसको दंड मिलेगा। संविधान की व्याख्या, किसी भी कानूनी विजय पर न्यायाधीशों का निर्णय क्या होगा, सर्वमान्य होगा, मतलब न्यायाधीश जो जुडिशरी है वो सबको क्या होगा, उसका निर्णय जो है सर्वमान्य होगा, सबके लिए एक समान होगा। ये नहीं है कि वो उसकी जान पहचान का है तो उसके लिए अलग देगा निर्णय, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, उसने ये तीन अर्थ बताए हैं लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक में 1885 में। अब नए कानून किस तरह बनते हैं, अब कानून बनते हैं तो कानून बनते किस तरह है, हमारे देश की जो संसद है, संसद की प्रक्रिया का पालन करके। लोकसभा क्या, राज्यसभा, किसी भी प्रस्ताव को लाया जाता है, मतलब कोई प्रस्ताव है तो पहले लोकसभा में लाया जाता है और फिर राज्यसभा में, दोनों सदनों की मंजूरी जब मिल जाती है उसके बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, उसे देखता है, पढ़ता है कि वो सही है या नहीं है, ठीक है, उस पर साइन करने के बाद वो प्रस्ताव जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्म लॉ है, कृषि कानून, ठीक है। कानून किस तरह बनते हैं, इस तरह से, संसद की प्रक्रिया का पालन करके। संसद में लोकसभा, राज्य, उनकी मंजूरी मिलती है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और संसद के तीनों अंग होते हैं। ये एक लिखा है 1870 में जो है राजद्रोह एक्ट हुआ था एनसीईआरटी में, इसके बारे में थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है राजद्रोह एक्ट कब हुआ था 1870 में। इतना पढ़ोगे तो इतना सारा सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो पाता। आ जाता है आगे रॉइट एक्ट जो 1773 में हुआ था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती है, मतलब उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता था, सीधा जेल में डाल दिया। सभी भारतीय नेता राष्ट्रवादी रॉइट एक्ट के खिलाफ थे,
कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल देती है, ये तो कानून बेकार है। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1773 का है, लेकिन लागू कब हुआ था? 10 मार्च 1919 में रॉयट एक्ट लागू हुआ। अब इसका जब लोगों ने विरोध किया, भारतीय नेता जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने विरोध किया, तो इसी के चलते 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके विरोध में 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था, वो आपने पढ़ रखा है हिस्ट्री में। हर साल हमारे प्रतिनिधि क्या होते हैं, कई नियम बनाते हैं और पुराने जो नियम होते हैं उनमें अमेंडमेंट करते हैं, मतलब संशोधन करते हैं। जैसे 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन था, मतलब हिंदू उत्तराधिकार जो नियम था उसमें संशोधन हुआ 2005 में। क्या संशोधन हुआ कि पहले यह था कि सिर्फ बेटे को ही परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन जब संशोधन हुआ तो बताया गया नहीं, बेटे बेटियां और माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। बराबर याद रखना है, खाली हिस्सा नहीं, बराबर याद रखना है, बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है इसमें लास्ट टॉपिक, ये घरेलू हिंसा कानून जो 2005 का है, या कह सकते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा क्या होती है? सबसे पहले तो ये कि जब परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे उसमें माँ हो, बहन हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, कोई भी हो, ठीक है, जब किसी औरत के साथ या फिर किसी घर में कोई भी है औरत, चाहे उसकी वो बहन हो, पत्नी हो, किसी के साथ भी शारीरिक या मानसिक शोषण करता है, उस पर अत्याचार करता है, फिजिकली करता है या फिर मेंटेलिटी से परेशान करता है, तो इसे कहते हैं घरेलू हिंसा। भारत की संसद द्वारा पारित एक नियम है, कौन सा? ये वाला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला को बचाना इसका कर्तव्य है, उद्देश्य क्या है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाया जाए। 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ, 2005 का ये है। इसमें जो पीड़ित महिला होती है उसको पीड़ित नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बहुत कुछ झेलती है, तो इसलिए उसको हम कह देते हैं पीड़ित ना कह के सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब है जो बचा रहता है, ठीक है, क्योंकि पीड़ित से थोड़ा सा वर्ड अजीब लगता है, पीड़ित को बहुत ज़्यादा दुख भरी उससे देखा जाता है, मतलब लाचार नजर से, लेकिन सर्वाइवर क्योंकि सर्वाइव कर रही है, फिर भी जी रही है, तो जो बचा रहे, तो पीड़ित ना क्या कि सर्वाइवर के तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब 1964 में क्या है, एक नागरिक अधिकार कानून भी आया था, ये आपने पहले पढ़ा है पॉलिटी की 6th क्लास की बुक में, ठीक है, 7th में पढ़ाया आपने ये नागरिक अधिकार कानून 1964 में। इसमें क्या था, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया था, जिसकी आवाज़ किसने उठाई थी, रोजा पार्क्स ने, जब वो एक बस में यात्रा कर रही थी और एक श्वेत जो नागरिक था वो आया और उसने उसे उस सीट से उठ जाने को कहा। रोजा पार्क्स जो अश्वेत थी उन्होंने सीट को अपने छोड़ने से इनकार कर दिया और तभी से यहाँ पे ये कानून लागू होने लगा, तभी से उन्होंने जब इसके लिए आवाज़ उठाई सब लोगों ने मिलके, तब नागरिक अधिकार कानून बना 1964 में। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, दिखा रही हूँ आपको, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स को बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। हम पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री का एक चैप्टर बच रहा है, उसके नोट्स है मेरे पास, मैं वीडियो डाल दूंगी, आज ही डाल दूंगी या कल परसों में डाल दूंगी, थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लगता है क्योंकि हिस्ट्री की फिर हमारी 10th क्लास की भी कंप्लीट हो जाएगी, मेंस एग्ज़ाम की भी आपको प्रिपरेशन करते चलना है। ये नहीं है सिर्फ आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी के लिए अगर आप 1 घंटा दे रहे हो या 2 घंटे दे रहे हो और बाकी टाइम आप मेंस एग्ज़ाम के लिए दो, ठीक है, आपको जो एथिक्स से है, एससी है, ये तो स्टार्ट कर देने चाहिए और जीएस के काफ़ी सारे पोर्शन, ठीक है, जैसे आपने अगर हिस्ट्री पकड़ लिया है तो उसके साथ आपको एथिक्स पकड़ लेना चाहिए और एससी पकड़ लेना चाहिए और आपको कला और संस्कृति भी पकड़ लेनी चाहिए। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यूपीजी के भी करते रहना चाहिए, 2-2 घंटे सब सब्जेक्ट को दे दोगे तो, और रिवाइज़ करते रहोगे ना, संडे में रिवाइज़ कर लिया करो तो उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी इस तरह ही किया है अपना, काफ़ी कुछ हो चुका है और काफ़ी कुछ मेरा रह गया है। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में।